हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने साउ टीम में। दोस्तों आज मैं आपको नया ट्यूटोरियल दूंगा जो दोस्तों टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों हमेशा मैं आपको ऐसे ट्यूटोरियल देता हूँ जो दोस्तों टिकटॉक में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और VFX रिलेटेड हो। दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे मैं आज आपको दोस्तों इस वाले वीडियो का एडिटिंग बताऊं। क्योंकि दोस्तों आप टिकटॉक में देख रहे हैं, एक बंदा आता है ऐसे नाइफ थ्रो करता है ऐसे, तो दोस्तों आपके कैमरे के सामने आकर वो थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि वो दोस्तों रियल में नाइफ फेंक रहा है अपने मोबाइल के कैमरे के सामने। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो का ट्यूटोरियल बता रहा था, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा तभी आप समझ पाएगा किस तरह से एडिटिंग करते हैं। दोस्तों एडिटिंग हार्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा तो समझ जाएगा। दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन जरूरत पड़ी जिससे हम एडिटिंग करेंगे, जिसका नाम दोस्तों काइनमास्टर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों काइनमास्टर में आपका दोस्तों वाटरमार्क आ रहा है, दोस्तों आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिससे आप दोस्तों अपना काइनमास्टर का वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो नाइफ थ्रो करता है उसका दोस्तों एक ग्रीन स्किन का वीडियो मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। किस तरह दोस्तों डाउनलोड करते हो तब सभी जानते होंगे दोस्तों, या VFX के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों वो वीडियो पहले डाउनलोड कर लेगा और काइनमास्टर भी डाउनलोड कर लेगा, और रिमूव कैसे कर रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ, आई बटन देख लिए जाके। चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चैनल पर नहीं तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिख रहे बेल को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में टिकटॉक से रिलेटेड सारे अपडेट, टिकटॉक से रिलेटेड साइट पर जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे थे वो दोस्तों सब मैं आपको बताते रहता हूँ। और दोस्तों जो वीडियो ये बना रहे हैं या बना लेंगे वो टिकटॉक में मुझे मेंशन जरूर कर दिया ताकि मुझे पता चल सके किन लोगों ने ये वीडियो बना लिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो फिर शुरू करते हैं अपने काइनमास्टर में मोबाइल। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने काइनमास्टर में, प्लस काइकन में जाना होगा आपको, अपना टिकटॉक वाला रेशियो सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद दोस्तों मीडिया में जाना होगा आपको, दोस्तों नॉर्मल वाला वीडियो लेके आना होगा जो हमने नॉर्मल कैमरे से शूट किया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरा नॉर्मल कैमरे वाला वीडियो कहाँ गया, इसमें है दोस्तों। तो ये मेरा नॉर्मल कैमरे वाला वीडियो है, तो देख लिया दोस्तों, मैं इसका साउंड कम कर देता हूँ, आप इसी साउंड पे शूट कर लीजिएगा। तो आपको नॉर्मल इस तरह शूट कर लेना है नॉर्मल कैमरे से, कुछ करना नहीं है दोस्तों, छत से मैंने किया आप भी कर लिया, एकदम जस्ट ऐसे लगे थ्रो करना है जैसे कि मैं कुछ फेंक रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्मल वीडियो शूट हो गया, और आपको दोस्तों मैं एक वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रीन स्क्रीन ला। तो दोस्तों वीडियो एक मिनट का है, मैंने इसे कट करके 5 सेकेंड का आपको मैंने अपने एक्सपोर्ट फाइल में रख लिया। तो आपको वो वाला वीडियो डायरेक्ट चाहिए स्लो मोशन वाला, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आपको देखना है मैं कहाँ से थ्रो कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जब यहाँ हाथ सामने लाऊंगा ना, हाँ बस ये मैंने हाथ उठा के लिया है। तो दोस्तों यहीं पर आपको रोक देना है, और दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको लेयर में ऑप्शन में जाना है, लेयर में ऑप्शन जाने के बाद दोस्तों मीडिया में आना है, और दोस्तों आपको वो वीडियो लेके आना है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया गया स्क्रीन थोड़ा थ्रोइंग नाइफ का, वो लेके आ जाना है। दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, तो वो वाला मैं लेके आ जाता हूँ। दोस्तों ये मैंने लिया है, अब दोस्तों यहाँ नीचे आपको इस लेयर का क्रोमा की है मिलेगा, क्रोमा की इसका ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिखाई देगा, तो आप स्लाइड करिएगा आगे ना दोस्तों, आपको ग्रीन एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो अगर आपको ग्रीन आपको कम करना है दोस्तों इसे आप थोड़ा कम कर देगा, देखिए दोस्तों हमारा ग्रीन कम हो गया, तो ग्रीन कम होने की वजह से हमारी कैपेसिटी भी कम हो जा रहा है, तो हम इसको यहीं पर रहने देंगे। उसका दोस्तों यहाँ पर डिटेल कप्स रहेगा, डिटेल कप्स में जाके इसे थोड़ा ऊपर नीचे करके देखेंगे, आपका चीज़ इधर देखिएगा ग्रीन का कैपेसिटी कम हो जा रहा है, वहाँ पर इसको फिट कर दीजिएगा। दोस्तों मैंने करके देख रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से करने से हमारी ग्रीन कैपेसिटी कम हो गया, फिर भी नहीं हो रहा दोस्तों, आप दोस्तों इधर से एडजस्टमेंट करिएगा कम हो जाएगा, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद दोस्तों हमारा देखिए हमारा कंफर्म हो गया एकदम इस तरह से। अब दोस्तों आप जैसे देखिए जैसे मैं थ्रो कर रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ से थ्रो कर रहा हूँ तो नाइफ वहीं पर आना चाहिए दोस्तों, वहाँ से ही निकालना चाहिए कहीं और से नहीं। तो देखिए दोस्तों नाइफ यहाँ पे है, तो हमारा हाथ जहाँ रहेगा वहीं से हम इसे थ्रो करेंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा नाइफ वहीं से आएगा जहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों हमारा वीडियो तैयार हो गया, ये मैंने फेंका एकदम हाथ के पास से ही नाइफ आ रहा है। तो दोस्तों मैंने इसे मेड इन इंडिया लिख दिया, आप चाहे मेड इन इंडिया वाला लिखना वाला मेड इन इंडिया वाला ही आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं वहाँ आपको डायरेक्ट ये मेड इन इंडिया वाला सेंड कर दूँगा। दोस्तों हमारी वीडियो तैयार हो गई, और कुछ करना एकदम सिंपल एडिटिंग थी दोस्तों, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें उसे कैंची में जाके ट्रिम टू राइट कर देना है, और कुछ नहीं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है, जहाँ से आपको थ्रोइंग नाइफ होता है ऐसे मैंने थ्रो किया दोस्तों, यहाँ से आपको ब्लर करना है तो आप लेयर में जाइएगा, इफेक्ट्स में जाइएगा, यहाँ पर बेसिक इफेक्ट रहेगा, गॉसियन ब्लर लिखा रहेगा, तो इस पर टैप कर दीजिएगा। और दोस्तों इस पर टैप करने के बाद दोस्तों ये जो नीचे वाला लेयर है
इसको हम बड़ा कर लेंगे, जहाँ तक हमारा वीडियो है वहाँ तक इसे हम बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने का दोस्तों ये हमारा ब्लर तो हो गया, लेकिन दोस्तों ये आधा ब्लर हुआ, तो इसको हम पूरा साइज में बड़ा कर लेंगे। इस तरह से ब्लर हो जाएगा, देखिए दोस्तों हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया इस तरह से। तो इसका बैक थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा हो गया दोस्तों, इस पर टैप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, इसको एक में रख देंगे दोस्तों, तो हमारा नॉर्मल ब्लर रहेगा, ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्लर वाला वीडियो बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल ही बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों इस चैनल में दोस्तों टिकटॉक रिलेटेड सारे अपडेट, टिकटॉक रिलेटेड सारे जो भी ट्रेंडिंग में भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं दोस्तों मैं आपको बताते रहता हूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा नए हैं तो, और पुराने हैं दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करके मैं टिकटॉक पे पोस्ट कर दे रहा हूँ, पोस्ट करने के बाद वहाँ से हमें जाकर टिकटॉक फॉलो कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।